हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है संजीत, आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीडे चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नई भर्ती की वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। यहां पर दोस्तों इस भर्ती के बारे में मैं बात करने वाला हूं। वो भर्ती यहाँ पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निकाला गया है, अप्रेंटिस की भर्ती है। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, अगर आपके पास 10वीं 12वीं है उसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, और टेक्नीशियन ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। कुल माने यहाँ पर वैकेंसियों की तो यहाँ पर 41 वैकेंसी को निकाला गया है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों वीडियो में सब कुछ यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने राज्य शहर में निकली गवर्नमेंट भर्ती की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा करना है कैसे यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो जो भी यहाँ पर अप्रेंटिस की भर्ती निकाली जाती है, कैसे इसको सबसे पहले कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना रहता है, वो आपको पता होगा। नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों टेक्नीशियन और ग्रेजुएशन के लिए जो यहाँ पर अप्रेंटिस की यहाँ पर जो वैकेंसियों को निकाला गया है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा नोटिस। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएशन की यहाँ पर आपके पास होना चाहिए बी बी टेक की डिग्री आपके पास है मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल में अगर आपके पास बी बी टेक कर रखा है या इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, तो यह दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 9,000 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अगर आपने मैकेनिकल से किया है या आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक से किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये एक अप्रेंटिस के लिए निकाला गया फॉर्म है। तो इसके लिए आपको दोस्तों NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, एनरोल करना होगा। वहाँ पर सबसे पहले एनरोल करने के बाद आपको जो है रेजिमेंटल एनरोलमेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या एनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। वो यहाँ पर फॉर्म को जो फॉर्म यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है उसमें फिलअप करना रहता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर एनरोलमेंट संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करना रहता है। तो सबसे पहले फॉर्म के लास्ट में आएंगे, सबसे नीचे आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को दोस्तों फिलअप करके आपको जो है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पे, आपको 27 अगस्त 2021 से पहले पहले आपको सेंड कर देना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। जैसे कि मैंने बताया NATS पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना रहेगा। जो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे NATS पर, आपको यहाँ पर दोस्तों एनरोलमेंट नंबर जो है आपको मिल जाएगा, वो यहां पर दर्ज कर देना है। यहां पर नाम डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, अपना यहां पर सारा डिटेल भरने के बाद अपनी सारी जो जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या आपको जो भी है मार्कशीट है, वो सारे सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको जो है 27 अगस्त 2021 से पहले पहले ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहां पर जो है जैसे कि मैंने बताया 10th 12th के लिए भी यहां पर वैकेंसियों को निकाला गया है। तो जिनके पास COPN की कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पर सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें यहाँ पर 30 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10वीं 12वीं आपका होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों COPA का यहाँ पर ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल सेम है, जैसे कि मैंने इसमें बताया ग्रेजुएट और टेक्नीशियन के लिए सेम, इसमें भी यहाँ पर सेम, यहाँ पर जो डिटेल है यहाँ पर जो मांगी गई है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जो स्टाइपेंड के रूप में जो यहाँ पर दिया जाएगा मंथली के रूप में जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, 7,700 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसकी जो फॉर्म की भी जो लास्ट डेट है आपकी 27 अगस्त 2021 तक पहले पहले आपको जो है फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इस भर्ती से कोई भी चेंजेस किया जाता है या बदलाव किया जाता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो इस चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।